देश की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाने वाले भोजपुर जिले के सुनील कुमार यादव शहीद हो गए। सुनील भारतीय नौसेना में केरला के कोच्चि स्थित नौसेना एयरबेस पर पेट्टी ऑफिसर के पद पर तैनात थे। सुनील कुमार उस समय हादसे का शिकार हुए जब कोच्चि एयरबेस से पावरग्लाइडर ने आईएएस गरुड़ से नियमित उड़ान भरी थी। तभी ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुनील कुमार यादव समेत नौसेना के दो अधिकारियों की मौत हो गई। नौसेना ऑफिसर सुनील कुमार यादव की मौत की खबर के बाद उनके गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि शहीद सुनील कुमार यादव ने साल 2011 में नौसेना में पेट्टी ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया था। उनकी पहली पोस्टिंग ओडिशा में हुई थी। उसके बाद उन्हें मुंबई फिर एक साल पहले केरला भेज दिया गया था। वहीं शहीद सुनील कुमार के पिता वन विभाग में नौकरी करते हैं। नवंबर में उनका तिलक होना था और 1 दिसंबर को बक्सर जिले में उनकी शादी होनी थी, लेकिन उनका अचानक से ऐसे चले जाने से दोनों परिवारों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल इस घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। हर कोई अभी सुनील कुमार यादव के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ डेस्क।